हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई वाली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। तो आज मम्मी जी ने बोला कि आज बेसन का हलवा बनेगा, तो मैंने बोला मैंने तो कभी बनाया नहीं बेसन का हलवा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करके देखती हूँ बेसन का हलवा। ऐसे मैं वीडियो बना लूँगी और कुछ न्यू हो जाएगा। तो मैंने आज बेसन का हलवा बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही स्वादिष्ट। सब कोई ने खाया, तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे डेकोरेट कर रही हूँ ऊपर से। बेसन का हलवा मैंने पहली बार खाया, पहली बार बनाया अभी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि बेसन का हलवा कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैंने बेसन का हलवा बनाया कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसन का हलवा कैसे बनता है। बेसन का तो लड्डू सुने थे, बट हलवा कैसे बनता है मुझे नहीं पता था, बट मैंने ट्राई किया। मैं अपने तरीके से ट्राई की हूँ कि कैसे क्या डाल सकते हैं उसमें, क्या नहीं डाल सकते हैं, क्या कुछ अलग लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। तो इसलिए मैंने अपने तरीके से बेसन का हलवा बनाया है। क्या क्या डाला मैंने, कैसे बनाया, वो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या डाला है। तो अगर आप लोग न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। पहले हम लोग कढ़ाई को गर्म करेंगे, फिर हम लोग डालेंगे इसमें घी। आप अपने स्वाद अनुसार घी डाल सकते हो। फिर ये देखिए मैंने बेसन लिया थोड़ा क्वांटिटी में, क्योंकि जितना आप लोग का फैमिली आप उतने हिसाब से लीजिएगा। पहली बार बनाएंगे तो आप लोग को पसंद नहीं आएगा उतना, बट खाते खाते अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगा था। तो इसको हम लोग घी में पहले भून लेंगे, ब्राउन करेंगे, हल्का ब्राउन, धीमी आंच में करेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे, चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। देखिएगा जले ना, वरना जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग हल्का ब्राउन करेंगे इसको, आप अच्छे से चलाते रहिए इसको। और फिर हम लोग क्या डालेंगे वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या डालेंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। देखिए जैसे मैं चला रही हूँ इसको, धीमी आँच में मैंने किया, देखिए मेरा हल्का ब्राउन हो गया, हल्का ब्राउन बेसन हो गया। अब हम लोग अपना आगे का सामग्री डालेंगे और धीमे धीमे चलाते रहेंगे इसको, चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। तो अब देखिए हम लोग का ब्राउन हो गया है बेसन। तो अब हम डालेंगे चीनी, आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हो। ज़्यादा मीठा आप लोग को पसंद है तो ज़्यादा मीठा डाल सकते हो, थोड़ा कम पसंद है थोड़ा कम डाल सकते हो, चीनी अपने अनुसार आप डाल सकते हो। मैंने अपने अनुसार डाला है चीनी कि मुझे कितना चाहिए क्वांटिटी में। तो हम लोग अब अच्छे से मिला लेंगे इसको, जब तक चीनी गल ना जाए, वो पिघल ना जाए उसमें बेसन में। धीरे धीरे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने किया, अब मैंने इसमें डाला मिल्क, मैंने मिल्क पाउडर, पाउडर मिल्क डाला मैंने इसमें, क्योंकि हम लोग पाउडर मिल्क ही यूज करते हैं। तो देखिए अच्छे से हम लोग डालेंगे इसमें, चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। दूध से क्या है ना, बहुत स्वादिष्ट बनता है दूध से, तो इसलिए मैंने इसमें दूध यूज किया। अब हम लोग इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए जो ढक्का बन जाता है ना थोड़ा थोड़ा छोटा 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 छोटा, तो उसको हम लोग अच्छे से ये करेंगे कि थोड़ा सा भी खड़ा ना दिखे इसमें। तो चलाते रहेंगे पूरा पेस्ट बनाएंगे इसका। देखिए कितना अच्छे से हो गया मेरा पेस्ट, पूरा बना लेंगे हम लोग अच्छे से, चला चला के। मिल्क डालने से हलवा में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो अब हम लोग थोड़ा ऊपर से घी डाल देंगे, घी डालने से भी बहुत स्वादिष्ट हलवा बनता है। आप लोग देख सकते हो कि सूजी का बनाओ या आटा का बनाओ या बेसन का बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो घी ज़रूरी होता है उसमें। आप अपने अनुसार डाल सकते हो घी, थोड़ा घी आपको ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि घी से ही स्वादिष्ट बनेगा, ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा मत डाल देना वरना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा अपने हिसाब से डालना घी। अब हम लोग अच्छे से मिला लेंगे इसको। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया, मेरा हलवा हो गया रेडी। अब हम लोग इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो किससे डेकोरेट करेंगे? काजू किशमिश, और काजू किशमिश आप लोग कट कर लेना, अगर बादाम है आपके पास तो बादाम डाल देना इसमें। तो हम लोग ऊपर से अच्छे से एक एक करके अच्छे से डाल देंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आए। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बेसन का हलवा, मैंने तो खाया मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को लाइक कमेंट शेयर करना है, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के लिए मैं फिर आऊँगी दूसरी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।